होशंगाबाद से एक और बड़ी खबर, जहां इटारसी में दो सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। स्टाम्प वेंडर के प्रतिष्ठान पर भी छापा मारा गया। तीन अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही है। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। होशंगाबाद के इटारसी में दो सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। स्टाम्प वेंडर के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई। तीन अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। आयकर विभाग ने यह कार्रवाई की है। होशंगाबाद के इटारसी में दो सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया। स्टाम्प वेंडर के प्रतिष्ठान पर भी छापामार कार्रवाई की गई। तीन अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। आयकर विभाग की टीम ये कार्रवाई कर रही है। हमारे सहयोगी वैभव शरण फोनलाइन पर मौजूद हैं। वैभव, दो सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है, क्या कुछ शिकायतें मिली थी जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए महेश जी, आज अभी 2 घंटे पहले की बात है, भोपाल की पैकेज अधिकारियों की एक टीम है, इस टीम में शहर के दो सराफा व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर छापे मारे, जिनमें से शहर का एक जो सराफा व्यापारी है वो काफी बड़ा सराफा व्यापारी है और इसने अभी हाल ही में एक कॉलोनी का बड़ा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस संदर्भ में शिकायतें ये मिल रही थी कि कुछ जो भी प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है कॉलोनी की लाइचिंग में और जो दूसरी उसमें, उसी के संदर्भ में ये जांच पड़ताल करने ये टीम आई हुई है और एक स्टाम्प वेंडर भी है जिसके माध्यम से ये रजिस्ट्री वगैरह के काम हुए हैं, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। अभी फिलहाल अधिकारियों की टीम ने उन प्रतिष्ठानों को अंदर से बंद किया हुआ है और अभी जांच पड़ताल चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो होशंगाबाद के इटारसी में दो सराफा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। स्टाम्प वेंडर के प्रतिष्ठान पर भी छापा मारा गया। तीन अलग अलग टीमें दस्तावेजों की जांच कर रही है।